Hi friends, welcome to my video series. Today I will do the exercise 6.3, question number 1st to 4th of Math Science and Annika Learning Book 7th Revised Edition. Okay, so friends, let's start. Okay, so friends, अभी हमारा first question है. So first question के A part में ये हमारा 15 x की power 2 from 17 x की power 2 में से minus करना है. सो इनमें हमने सब्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि 17 x की पावर 2 है माइनस 15 x की पावर 2 है. सो दोनों के टर्म सेम है, नंबर्स अलग अलग हैं, बस हमने ऐसे ही माइनस कर देना है. यहाँ पर आ जाएगा 2x की पावर 2, 17 में से 15 के 2 आ जाएगा एंड x की पावर 2 यहाँ पर लिख दिया. एंड अब हम करते हैं हमारा बी पार्ट. सो हमारा बी पार्ट है माइनस 20a फ्रॉम ये आर है फ्रॉम माइनस 40a. सो इसको हमने कॉलम मेथड से करना है, जैसे कि माइनस 40a सबसे पहले लिख देंगे एंड नीचे अब हम लिख देंगे माइनस 20a. सो अब इन दोनों को हम करेंगे माइनस. सो हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस 20a. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है ए प्लस बी फ्रॉम ए माइनस बी. सो इसको हम ऐसे लिख लेंगे ए प्लस बी फ्रॉम ए माइनस बी. सो अब देखो ए को एक से ए के साथ काट देंगे, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस का है एंड ये भी प्लस का है. एंड यहाँ पर अब देखो प्लस माइनस है, बी है, बी भी काट नहीं सकते क्योंकि अगर वो प्लस के होते तो काट सकते थे या वो माइनस के होते तो काट सकते थे. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि वो प्लस माइनस की हैं. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड बी की पावर कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि दो बार आया है एंड बी तो आएगा ही. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा डी पार्ट है. सो डी पार्ट में हमने क्या करना है, 11a माइनस 7b, यहाँ पर ये b है, फ्रॉम 14b माइनस 2a. सो सबसे पहले हम टर्म्स को एक दूसरे के साथ लिख देंगे, 2a एंड यहाँ पर 11a. बट जो 2a होगा उसके साथ माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस था. एंड अब प्लस 14b, 14b क्यों, प्लस क्यों, वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे कुछ भी नहीं था, मतलब कि वो प्लस होता है. एंड 11a माइनस 7b था जो कि यहाँ पर दिखाई हुआ है पहले से ही. सो 14b एंड 7b अगर हम दोनों को प्लस करें तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 21b एंड माइनस 2a एंड 11a. इन दोनों को प्लस कर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 13a. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है. सो इसमें हमने माइनस ही करना है, जैसे कि हम सिंपल माइनस कर रहे थे, बट जो बड़े वाला होगा उसको ऊपर हम लिख देते हैं सबसे पहले. तो जैसे कि 2a की पावर 4 माइनस 7b की पावर 4, ओके, एंड उसके बाद माइनस 4a की पावर 2 b की पावर 2 एंड नीचे अब हम a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a की पावर 2a की पावर 2 b की पावर 2. सो इनको हमने माइनस करना है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले से. सो माइनस 4a प्लस टू ए की पावर 2 b की पावर 2. सो इसका आ जाएगा माइनस 6a की पावर 2 b की पावर 2. सो अब यहाँ पर 7b की पावर 4 b की पावर 4 ये हो जाएगा 8 माइनस 8b की पावर 4 एंड उसके बाद 2a की पावर 4 4a की पावर 4 जो कि हो जाएगा a की पावर 4. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा बी पार्ट है. सो बी पार्ट में हमने क्या करना है, इस वाले में हमें फ्रैक्शंस है. सो फ्रैक्शंस वाले में सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर सेम करना है एलसीएम निकाल कर एंड उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर इनका डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा एंड उसके बाद इनको माइनस कर देना है, 2/9 -5/6. सो ये हमने करना है. सो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं. एलसीएम डिनोमिनेटर्स का निकालना है 6 एंड 9, जैसे कि 3 यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 3.
अब देखो अब ये किसी भी टेबल के ऊपर मतलब कि सेम वाले नहीं जाते हैं, 3 2 6, 6 3 18, सो 18 है हमारा एलसीएम। एंड अब हम माइनस, सबसे पहले अकेले 2 by 9 का निकालेंगे, मल्टीप्लाई 2 जो कि देगा 4 upon 18, एंड आगे माइनस 5 upon 6 मल्टीप्लाई 3 जो कि हो जाएगा माइनस 15 upon 18। सब जो कि हमारा सम है वो है 4 upon 18 माइनस 15 upon 18, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, एंड यहाँ पर आ जाएगा 19 upon 18 जो कि हो जाएगा 1 whole 1 upon 18। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सर फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है। सो 7a + 5b - 3c, जीरो में से माइनस करने हैं। सो ये कैसे करेंगे, 0 - 0। देखो माइनस 0 का नंबर नहीं होता, बट यहाँ पर हमने तो भी लिखा है ताकि हमारा सब आसान बन सके, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर माइनस लिखने को रहने दिए, ऐसे ही स्पेस छोड़कर लिख सकते हैं। सो अब देखो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, जो कि 7a यहाँ पर लिख देंगे प्लस 5b, नाउ 5b यहाँ पर लिख देंगे एंड माइनस 3c यहाँ पर लिख देंगे। सो अब देखो माइनस माइनस कितना हो जाता होता है, प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3c, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5b, माइनस ये भी माइनस है एंड ये प्लस है, सो ये हो जाएगा माइनस 7a। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा डी पार्ट है। सो डी पार्ट में हमें दी गई है -x³ - y² - 7² एंड इनको हमने माइनस करना है 1 से। सो यहाँ पर 1 तो प्लस वाला ही हम लिखेंगे, 1 + 1 + 1 + 1, 4 बार लिख दिया। एंड अब जो कि इस वाले के नीचे अब हम लिखेंगे -x³ - y² - z²। सो अब देखो जबकि जो कि पहले वाला होगा वो हमारा प्लस रहेगा और सभी अब हम बना देंगे माइनस, मतलब कि आप पहले से ही माइनस लिख सकते हैं, ये मैं समझाने के लिए आप सभी को बनवा रहा हूँ, आप पहले से ही माइनस लिख लेना। उसके बाद अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा +z², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +y², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x²। एंड जो यहाँ पर हमारा 1 वाला था वो हम यहाँ पर लगा देंगे 1+, सो ये होगा हमारा आंसर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है। 2x - 8x² - 9 फ्रीम 5x³ + 3x+4। सो ये हमने करना है इनको माइनस, सो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहले हम 4 and 9 को करेंगे जो कि आएगा प्लस वाला 13, यहाँ पर 3x एंड -2x को करेंगे जो कि हमारा कितना देगा x, एंड 5x एंड 8x² सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x² एंड यहाँ पर प्लस आना था क्योंकि ये प्लस में आया था। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा बी पार्ट है। सो बी पार्ट में हम माइनस ही करेंगे जैसे कि पहले कर रहे थे, यहाँ पर 4a - 6। सब जो जिसकी भी टर्म जिसके साथ मिलती है उसके साथ उसको ही लगा दिया, -7b, यहाँ पर माइनस हट जाएगा एंड यहाँ पर माइनस, मतलब कि जो हमारा यहाँ पर 9a है इसके साथ माइनस आ जाएगा। एंड उसके बाद अब हम कर देंगे +7 कर देंगे, +7b। सो अब देखो वेट, प्लस अकेला 7 ही हम करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा -13, यहाँ पर आ जाएगा हमारा -5a एंड यहाँ पर आ जाएगा 9b। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है। सो सी पार्ट में
हमें ये वाले मतलब कि इनको माइनस करना, सबसे पहले 4c एंड 7c को कर देते हैं जो कि आ जाएगा 11c। यहाँ पर अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम प्लस लिख देते हैं। यहाँ पर माइनस 7b एंड 2b है, सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5b। एंड उसके बाद अब 2a माइनस 4a है जो कि हो जाएगा माइनस 2a। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारे डी पार्ट है। सो प्लस 10 माइनस 1 जो कि ये कितना हो जाएगा प्लस 9। एंड अब जो कि ये अकेला है माइनस 7x, सो इसको वैसे ही लिख देंगे। 3x की पावर 2 माइनस 4x की पावर 2, ये हो जाएगा 7x की पावर 2। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। सो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हमने इन दोनों का सम निकालना है, सम मतलब प्लस करना है। एंड उसके बाद जो हमारा सम आएगा इन दोनों का, उसको उसमें से ये माइनस कर देना है। सो सबसे पहले 2 एंड 4 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। एक्स एंड माइनस 2x कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स। एंड 5x की पावर 2 3x की पावर 2, ये हो जाएगा 8x की पावर 2। एंड अब हमने इसमें से ये माइनस करना है, 8x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 6। सो अब देखो x की पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा जो कि है माइनस वाला। एंड यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा x, एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1। सो देखो इन दोनों को माइनस किया, माइनस वन प्लस हो गए, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 7, वो भी प्लस वाला। एंड माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स, सो माइनस माइनस एक बार प्लस हो गए बट दोबारा से माइनस हो गए जो कि हो जाएंगे माइनस 2x। एंड 8x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x की पावर 2। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड बाय बाय।